लिंकडिन पे मेरे को बहुत बार पढ़ने के लिए मिलता है कि भाई एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोग लिखते हैं और अभी जब कोविड का टाइम पे तो मतलब किस टाइप की पोस्ट स्टार्ट हो गई थी कि भाई मेरे पिताजी मर गए और जो है उसके बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही या फिर मेरी जो है मतलब जॉब चली गई और उसके बाद जो है मेरे पास फैमिली आई है वो करके काफ़ी सारी पोस्ट चल रही थी खास बात ये थी कि उनमें से कुछ ही पोस्ट थी जो मतलब ऑरिजिनल थी और जो सच्ची थी पर बाकी सारे लोग जो अपना पिगी बैंक करके सोच रहे थे इन्होंने लिख दिया इनको जॉब्स मिल गई तो हम भी वही काम करेंगे और हम भी मतलब आगे बढ़ेंगे पर ऐसा होता है कि ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है पर एम्प्लॉय को जब जिस टाइम पर समझ आ जाएगा ना कि ठीक है मतलब जो भी तुम्हारी स्टोरी थी वो सही नहीं थी तो सबसे पहले जो लात पड़ेगी वो तुम्हें ही पड़ेगी और किसी को नहीं पड़ेगी तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सारे काम किए थे तो ये जो एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ वाला मतलब समझ गए यूँ लगता है कि भाई ठीक है ये आदमी बहुत जो है मतलब हिज़ लुकिंग फॉर समथिंग विद ऑल हिज़ हार्ट एंड माइंड पर होता क्या एक्चुअल में कि भाई अपना टाइटल पे लिख कर छोड़ देते हैं और जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ठीक है उसको ये एक्टिवली सर्च नहीं करते है. इनकी जो सर्च होती है सारी की सारी पैसिव होती है कि कोई आके जो है इनको मतलब ई वगैरह लिखते कोई आके जो है इनको अपना डी वगैरह कर दे लिंकडिन पर और यही सचुएशन रहती है ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों की सबको लगता है कि ठीक है मतलब वी आर एक्टिवी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हम बुरे आदमी थोड़ी ना हम तो मतलब पूरे टाइम अपना कुछ ना कुछ बढ़िया करने की सोच रहे हैं पर जो उनके एक्शन होते हैं वो कुछ अलग चीज़ बोल रहे होते हैं तो मैं बस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया अब मतलब मैं एक छोटे से शहर से आया हरियाणा में और और छोटा शहर ऐसा था कि जब मैं दिल्ली वगैरह जाता था ना तो लगता था भाई बाकी को देख देख के यार मतलब ये तो जो है इन्होंने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने जो है मतलब बढ़िया तरीके से इंग्लिश आती है इनको मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती उस तरीके से बोलनी और जो है मतलब इन्फेरट कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था मुझे लगता था यार मतलब दिल्ली जाके क्या ही कर लिया मतलब मेरा जो टाइम था दिल्ली में मैं वो जितना लिमिटेड मैं कर सकूँ उतना कर, उतना रखना चाहता था मैं क्योंकि मेरी उस टाइप के यार मतलब कभी भी थिंकिंग थी नहीं कि मतलब किसी को जो है बुरा फ़ील करा के अपने आप को जो है बढ़िया फील करो और जो है मतलब अगले को बुरा दिखाओ मेरे को कभी कभी ऐसा होता था मेरी एक बार किसी कोई लड़की थी क्योंथ इंस्टीट्यूट में थी दिल्ली में जब मैं एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने गया था बी के लिए तो मेरे को जो है मतलब अपना जो है बात करने लग रहा है कि भाई मतलब ऐसे ऐसे मैं डी कश्मूर्थल से पढ़ता हूँ और जो है मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने आया हूँ मेरा जर्मनी में जो है मास्टर्स करने का प्लान है तो कहती अरे वहाँ पे तो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जाट टाइप के लोग मैं वेगा भाई मैं कहा हाँ मैं भी जाट जाटती हूँ पर मतलब अच्छा नहीं तुम तो जाट नहीं लगते मैं कहा अच्छा मैं कहा तूने जो है कास्ट से मतलब किस हिसाब से तूने करेक्ट्रिस्टिक्स दिखा ली तो मेरे को इस टाइप के बहुत सारे लोग मिलते थे दिल्ली में जो मतलब सोचते थे कि भाई मतलब जो है बाकी छोटे शहरों से आने वाले लोग अ, अलग से बिहेव करते हैं या फिर मतलब डिफरेंट बिहेव करते हैं और मतलब दे आर बिट लोअर देन दैन और ये जो है मतलब मेरे को नॉर्मल फीलिंग लगती थी सारी की सारी बड़े शहरों में तो मेरे हमेशा यूँ होता था कि यार किसी हिसाब से ना लाइफ में एक रीस्टार्ट मिले जहाँ पे इस टाइप के लोगों से दूर रहा जाए और जहाँ पे मतलब मैं पर्सनली पिक एंड चूज़ कर सकूँ कि मतलब किन किन टाइप के लोगों से बात करनी है और किन टाइप के लोगों से बात नहीं करनी है अगर मेरे को बात करनी भी है तो ठीक है तो तब जाके ना उस टाइम पे जब बिल्कुल यूं लगा कि यार ठीक है अब ज़्यादा ऑप्शन हैं नहीं क्योंकि सारे के सारे गेट वगैरह में जा रहे थे तो जब बिल्कुल सर डाउन मतलब हेड डाउन करके अपना जो है काम स्टार्ट किया जर्मन सीखनी स्टार्ट करी उस टाइम पे बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती मतलब सिर्फ वो एक जो टाइम था ना पाँच छः महीने उसने मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी तो मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना कि एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी यार तुम एक्टिवली नहीं देख रहे होते ज़्यादातर टाइम तुम जो है पैसिवली सोच रहे होते कि भाई कोई ना कोई अपने आप मेरे पास आ जाएगा कोई ना कोई मेरे को बोल देगा ये कर देगा वो कर देगा इस टाइम पे तुम्हें एफ़र्ट डालना पड़ता है जब तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ के पास जाना चाहते हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें एफर्ट लगाना ही पड़ता है मतलब देर इज़ नो अदर वे आउट तो इस चीज़ को थोड़ा सोचो और मतलब यू शुड बी ऑलवेज एमिंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग कुछ प्लान होने चाहिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बोला बोला कि मतलब ठीक है मेरे को 25 की उम्र तक ये करना है 20 की उम्र तक ये करना है 30 की उम्र तक ये करना है थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फिर होने चाहिए कि मतलब हाउ कैन आई रीच द क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब तुम्हें लाइफ में भाई इतना भयंकर कोई जंप मिल गया और जो है मतलब तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज होगी ऐसे जंप्स मिलते हैं बहुत रेयर बहुत रेयर मेरी अभी तक की लाइफ में मेरे ख्याल से ऐसी एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ होंगे जिन्होंने मतलब हमारा मतलब सारा का सारा एक तरीके से लाइफ बात कंप्लीटली चेंज कर दिया वो थी मेरे ख्याल से दो दो या तीन अपॉर्चुनिटीज़ बस इससे ज़्यादा नहीं मिलती एंड देन ऑल्सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड यू हैव टू सी इफ़ दैट इज़ कमिंग योर वे और जो है उस अपर्चुनिटीज को उठाना पड़ता है नहीं तो जो है वो भी निकल जाती है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम तो एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं हमें तो मतलब ज़िंदगी ख़राब चल रही है हमें कुछ मिल नहीं रहा हमें कोई कुछ बता नहीं रहा या जो भी कुछ मतलब बढ़िया चीज़ें होती हैं ना वो लोग या तो खुद से बनाते हैं या खुद से ढूंढते हैं उनके पास कोई मतलब आता नहीं है ऐसे मतलब प्लेट पर लेकर आए जो है अपना आ जाओ ये जो है चीज़ खा लो और बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जियो नहीं ऐसा कभी नहीं होता तो मैं तो अपनी लाइफ से मतलब जो भी सारी मैंने मेरे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वही कोशिश करता हूँ कि तुम्हें भी उसी एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आगे बता सकूँ ताकि तुम्हारी लाइफ थोड़ी और सिंपल हो जाए और तुम भी मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब एक पॉइंट पर पहुंच जाओ जहाँ पर तुम्हें ज्यादा चीज़ों की सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है पर वो सारी की सारी जो है जो पाथ है वो निकलता है वो ग्राइंड से ही है ठीक है और कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं इंडिया में रहोगे तो मतलब गवर्नमेंट जॉब का देखना पड़ेगा बाहर आओगे तो फिर से मास्टर्स वगैरह में मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आगे निकलना पड़ेगा अब मास्टर्स में भी यार अब ये सोच के देखो ना मैंने उस टाइम पे मतलब मैं चार चीज़ें साथ में कर रहा था अपनी मास्टर्स कर रहा था पार्ट टाइम जॉब कर रहा था यूट्यूब कर रहा था अपना जो है फिर भारत एंड जर्मनी ये बिग अकेडमी को चलाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पर बहुत दिक्कत थी अब सब बढ़िया चल रहा है और इस टाइम पर मैंने अपनी मास्टर्स एग्जैक्टली दो साल में खत्म करी ठीक है और जर्मन टॉट मास्टर्स थी तो ये तो बहुत बार ऐसा होता है ठीक है अगर तुम कोई एग्जाम एक एक आधा एग्जाम नहीं निकाल पाए ठीक है अब ए आई ट्रिपली वाला टाइम ऐसा था जिसमें मतलब मेरे को ए आई ट्रिपली तुम लोगों के लिए आई टी जी हो गया तो वो उस टाइम का ऐसा था कि मतलब पता नहीं मतलब मन नहीं क्या पढ़ने का कुछ मतलब जो है डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होने लगी और उस टाइम पर जो है सारी की चाज, सारी चीज़ें खराब हुई पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर एक चीज़ ख़राब होगी एक एग्ज़ाम खराब हो गया तो तुम मतलब ज़िंदगी में और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग जो है अभी भी मैसेज करके बोलते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स वगैरह मैं अभी ले नहीं रहा घर वाले आए हुए हैं अलीना का बर्थडे आज तो उसके लिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ पर बहुत सारे बो, बोलते हैं कि यार जर्मन टॉट अगर करेंगे तो मतलब ख़त्म भी हो जाएगी मास्टर्स टाइम में ख़त्म हो जाएगी नहीं होएगी क्या होगा बैचलर्स के लिए भी सेम सवाल तो यार टाइम वाली बात नहीं है मतलब पता है हमारे इंडियन सोसाइटी में जितना लोग एक दूसरे को मतलब नीचा दिखा दिखा के अंडर एस्टिमेट कर करके मतलब जितनी होप्स और ड्रीम्स तोड़ते हैं ना उतना मतलब मैंने कहीं और देखा ही नहीं होगा ठीक है तो जो भी तुमने अगर मतलब अगर तुमने बारहवीं बढ़िया तरीके से पास कर ली ना बारहवीं में तुम्हें तो थोड़ी बहुत चीजें आती हैं समझ आती है तो तुम बाहर आके मतलब बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हो आसानी से तो नहीं मतलब मेहनत करेगी पर तुम कर सकते हो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ऐसा नहीं कि इंडिया में भाई तुमने एक एग्जाम में ऐसे ऐसी कर दी तो तुम्हारे पास मतलब जिंदगी के सारे ऑप्शन ही बंद तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी तो मतलब मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब तुम जो है जर्मनी के बारे में Um, मतलब जर्मनी जर्मनी के बारे में क्यों बात करते हो बाकी देशों के बारे में क्यों बात क्यों बात नहीं करते ये सब कुछ करके मेरे को देख ऑनेस्टली बता रहा हूँ जिस टाइप का मेरा बैकग्राउंड था मिडिल क्लास फैमिली से आया हो ठीक है घर वालों के पास करोड़ों नहीं है और जो है ऐसे नहीं है कि मतलब भाई बिना लोन लिए जो है यूएस भेज दिया फिर मतलब लोन लेके यूएस भेज दिया वो सब कुछ करके वो मेरे माइंड में नहीं था ना यूके का सिस्टम ना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ना कैनेडा का सिस्टम छोटे भाई के दिमाग में फिर भी था कि भाई उसको जाना है कैनेडा उसको और किसी देश जाना ही नहीं है तो ठीक है उसके लिए जो है फिर उसी ने अपने नाम पर लोन लिया और जो है उसी ने अब जो है पे कर रहा पर मेरे दिमाग में था ना अभी इतना सब कुछ पैसा है नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन क्या है जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फीस वगैरह ना पे करनी पड़े वो था जर्मनी और वो अभी भी जर्मनी ही है अगर मेरे को कोई बढ़िया ऑप्शन मिलेगा ना जहाँ पे तुम कम पढ़ाई के साथ और जो है फिर भी बढ़िया जॉब्स कर सकते हो फिर भी बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हो फिर भी एक ऐसे देश में रह सकते हो जो डेवलप्ड है और जहाँ से तुम किसी भी और देश में आगे जा सकते हो जिसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड है और जहाँ पर ट्यूशन फीस जीरो है अगर ऐसा देश मिलेगा ना मैं तो मैं भाई तुम्हें बताऊँगा आराम से पर मेरे को जनरली जर्मनी सबसे बड़ी ऑप्शन लगता है और मुझे जर्मनी के आने की वजह से ही मतलब ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मेरे लिए तो मतलब दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग थिंग एंड इट को बी फॉर यू टू ठीक है तो इससे बस थोड़ा देखना कि ये जो सारा का सारा जो अगर एक्टिवली देख रहे हो ना किसी अपॉर्चुनिटी को यार उसके लिए थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जर्मनी जाना आगे कुछ करना आगे ठीक है वहाँ पे अपनी लाइफ चेंज करनी है क्योंकि देख जर्मनी जाने का ये थोड़ा है, सोचता है, कोई आदमी कि भाई सुबह उठे सोचा ठीक है अब जो है जर्मनी की तैयारी करेंगे कोई नहीं सोचता ये जो सारी की सारी मतलब चीज़ें होती है वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है एक दिन लगता है यार अरे मतलब बॉस के साथ लड़ाई होगी ये तो बढ़िया लग रहा एक दिन हो गया किसी स्टूडेंट के साथ क्या ये तो प्रोफेसर मतलब बदतमीजी से बात कर रहा है मतलब इसका क्या काम बनता है ऐसे थोड़े बात करना चाहिए नहीं धीरे धीरे जो मतलब लोग फेडअप होते जाते हैं ना उसके बाद समझ आता है कि यार यहाँ पर जो है मतलब एनवायरमेंट ऐसा ही मिलेगा ठीक है ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ऑफिस में मतलब देख ऐसा तो है नहीं सारे के सारे इंडिया में लोग दुखी रह रहे हैं मतलब काफ़ी दुखी रह रहे हैं पर सारे नहीं रह रहे तो ऐसा होता है कि कुछ एक ऑफिस बढ़िया मिल गए कुछ एक एन्वायरमेंट बढ़िया मिल गए पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये दीज आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री थिंग्स तब उनको समझ आता है कि यार मतलब वी आर फेड अ परफिक्ट और अब जो है कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा और वो अलग करते हैं ये कि मतलब ठीक है अब इस देश से ही बाहर जाना पड़ेगा ठीक है कोई भी देश चूज करो जो भी तुम्हें बढ़िया लगे वो चूज़ करो मेरे को तो हमेशा जर्मनी सबसे बढ़िया लगता है अभी भी देश तो मैं तो भाई मतलब बच्चों को भी वहाँ पर गाइड करता हूँ और जो है मेरी खुद की जर्नी भी वहाँ से स्टार्ट हुई है और मतलब मेरे को इस टाइम पर कोई बड़ी ऑप्शन दिखता नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ को देखो थोड़ा जर्मन सीखनी है जर्मन सीखो दबा के और जो है जर्मन सीखने का मतलब एक है कि अगर तुमने जर्मन सीख भी ली ना और जर्मनी नहीं भी आए तो ऐसी चीज़ नहीं है जर्मन की मतलब तुम्हें लाइफ में इसका कोई डिसएडवांटेज होगा जो भी तुम तुम टाइम स्पेंड करोगे जर्मन सीखने में उसमें हमेशा तुम्हारा कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना ठीक है तो बस भाई कोई पता नहीं अगर तुम छोटे शहर से आए हो बड़े शहर से आए हो ठीक है किसी भी कास्ट से आए हो बाहर आके जिस टाइप का रीस्टार्ट मिलता है ना जिस टाइप का मतलब प्ले मिलता है लेवल प्ले ठीक है वहाँ पर भी तुम कभी कभी मोस्टली तुम से स्टार्ट कर रहे हो तो क्योंकि हम ठीक है तुम्हें लैंग्वेज पूरी तरीके से नहीं आती ये सब कुछ करके पर अगर तुम मेहनत कर सकते हो ना यार वहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें मतलब तुम बिल्ड कर सकते हो ठीक है तो बस नहीं था भाई आज के लिए और तुम्हें कुछ सवाल वगैरह होंगे बढ़िया कमेंट्स वगैरह अपना बताना लिख के और अगली वीडियो में फिर मैं उन्हीं को उठा लूँगा अगली वीडियो में मिलता हूँ बाय